हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा नाइन्थ की प्रश्नावली है 1.4 का प्रश्न क्रमांक 2 है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, 2 क्या कह रहा है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, ये व्यंजक दिए गए हैं, इनको हमें सरल करना है। तो यहाँ पे 4 सवाल दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, हम पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या है, 3 + √3, 2 + √2। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। तो पहले बच्चों जी, 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे और √3 का गुणा हम इस पूरे में करेंगे। ठीक है, तो चलिए करें, इसको हल करते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 × 2 = 6। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, प्लस का चिन्ह आ गया, अंडर रूट का ही गुणा अंडर रूट में होगा। बाकी अगर जैसे ऐसी संख्या जैसे 3 का गुणा हम अंडर रूट 2 में करेंगे तो नहीं होगा। तो 3 बाहर लिखा जाएगा और अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है बच्चों प्लस का चिन्ह। अब अंडर रूट, पहले इसका गुणा हमने इस सब में किया, अब हम इसका गुणा इस पूरे में करेंगे। अंडर रूट 3 का गुणा 2 में नहीं होगा। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 इसके पीछे लिख देंगे। अब अंडर रूट है और इस पे भी अंडर रूट है। ठीक है, तो अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में कर सकते हैं, यानी कि इस पे रूट चढ़ा है। ठीक है, तो 3 × 6, तो इधर आ जाएगा प्लस का अंडर रूट 6। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। 3 + √3 और 3 - √3। देखो बच्चों, एक इसमें एक सूत्र लग रहा है। ठीक है, सूत्र क्या है, a + b a - b, हमने सूत्र पढ़ा है, a + b a - b बराबर होता है a² - b² ठीक है। यानी कि 3 को हम a मान लेते हैं और अंडर रूट 3 को हम b मान लेते हैं। देखो, इस पे प्लस है और इस पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, 3² और माइनस अंडर रूट 3². ठीक है, इस सूत्र के हिसाब से। तो इधर हो जाएगा ये 3² माइनस अंडर रूट 3². ठीक है बच्चों, तो 3² कितना होता है, 3² का मतलब होता है बच्चों 3 का गुणा 3 में करना है, तो 3 × 9। अब अंडर रूट 3² कैसे करेंगे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, जब भी अंडर रूट का गुणा जैसे हम अंडर रूट में करेंगे, ठीक है, तो ये रूट हट जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। 2 बार रूट का गुणा करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और आंसर में क्या आ जाएगा, 3। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 5 × √5 होता तो यहाँ पे आंसर आता अपना 5। ठीक है, तो इधर आ जाएगा इसका 3। अब 9 में से 3 घटा दो, कितना आ गया बच्चों, 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम करते हैं ये दूसरा था, तीसरे नंबर का सॉल्व। क्या दिया है बच्चों, देखो, अंडर रूट 5 + √2² ठीक है। तो इसमें भी बच्चों देखो, एक सूत्र लगेगा, a + b² बराबर क्या होता है, इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, तो एक सूत्र होता है a + b² बराबर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो हम a मान लेते हैं अंडर रूट 5 को और b मान लेते हैं अंडर रूट 2 को। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि अंडर रूट 5² + √2² + 2a कितना है, अंडर रूट 5 × √2। ठीक है, तो देखो अंडर रूट, मैंने बताया अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट से करते हैं, तो वही आंसर आएगा जैसे हमने इसमें किया था, √3 का गुणा हम √3 में किया था तो 3 आए थे। इसी तरह से √5 का गुणा, मतलब 2 बार गुणा करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। √2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 2, और ये हो जाएगा +2। रूट और रूट का गुणा हो जाएगा, तो √5 और √2 का गुणा क्या हो जाएगा, √10। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 और 2 = 7 +2 √10। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल क्या है बच्चों, √5 - √2
और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो इसमें भी देखो बच्चों वही सूत्र लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, प्लस और माइनस आगे पीछे होगा चलेगा, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है हमारा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। तो ये ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर। मैंने बताया अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा करेंगे, जैसे कि अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 में करते हैं तो उत्तर 2 सॉरी उत्तर 5 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो उत्तर हमारा 2 आएगा। अंडर रूट 5 का यानी इसका मतलब है 2 बार गुणा करना, जब इस पर रूट चढ़ा है स्क्वायर चढ़ा है सॉरी, तो इसका मतलब है इसका 2 बार गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 5, इसका जाएगा 2, तो 5 में से 2 गए तो कितना आ गया बच्चों 3 आंसर, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों ये वीडियो यही होती है समाप्त, उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।